वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। आज मैं आपको रिव्यू दूंगा, आर्डियोनिक कंपनी का है RB106, RGB लाइट्स के साथ है, 8 इंच का सबवूफर है और आपको फिजिकल भी दिखाएंगे और इसका रिव्यू भी देंगे, साउंड डेमो भी देंगे। चलते हैं अपने सेट की तरफ। ओके जी, ये हमारा सेट आ गया आर्डियोनिक कंपनी का RB106 और ओल्ड मॉडल है और पहले आता था, अभी भी मिल जाता है। इसका लेटेस्ट वर्जन RB105 भी आ रहा है, RB106 भी है। इसमें 8 इंच का कंपनी ने सबवूफर यूज़ किया और 3 इंच के इसके स्पीकर्स यूज़ किए हैं 15-15 वॉट्स के RMS के, और इसका जो सबवूफर है वो कंपनी ने यूज़ किया है 60 वॉट्स RMS का। अगर इसके मटेरियल की हम बात करेंगे तो इसके जो दोनों सैटेलाइट स्पीकर्स हैं ये दोनों जो हैं वो वुडन कैबिनेट में, और फ्रंट जो है वो इसका प्लास्टिक मटेरियल है, मैं अभी आपको करीब से भी दिखा दूंगा। बाकी जो इसका सबवूफर है वो तकरीबन 14 mm के MDF में इसका जो वुडन कैबिनेट है वो बना हुआ है और 8 इंच का सबवूफर है। साइड में आप देख सकते हैं बिल्कुल सील्ड हुआ हुआ है और फ्रंट जो है वो सबवूफर का भी प्लास्टिक में है और RGB लाइट्स के साथ है। ये सेट बहुत अच्छा है, जानदार है। इसके साउंड डेमो भी आपको इंशाल्लाह ताला हम देंगे। इसके मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो सैटेलाइट स्पीकर्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है जो कि एक्टिव स्पीकर है, और ये जो शो किए गए हैं ये डमी है, यानी कि ये ट्यूटर के लिए जगह होती है लेकिन इसमें डमी है ये। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, ये इसमें RGB लाइट्स हैं और ये मैं ऑन करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पे ये हाफ़ हो जाता है, उसके बाद नीचे भी इन्होंने दो ग्रिल्स दी हुई हैं, जैसे कि एक यहाँ पे ग्रिल दी हुई है एक यहाँ पे, लेकिन ये ब्लैंक हैं, कुछ भी नहीं है, पीछे से इसके पैकेट्स बंद हुए हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने ट्यूटर के लिए शो किया है, यहाँ पे भी RGB लाइट्स आ गई हैं। पूरा स्टैंड है, फ्लोर स्टैंडिंग होता है, आपने इसको ज़मीन पर ही रखना होता है तो ही साउंड क्वालिटी अच्छी मेंटेन रहेगी। और इसका जो साइड है ये इसका वुडन कैबिनेट है और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वुडन कैबिनेट है और इसका जो MDF है तकरीबन 9 mm का इसका MDF है और पूरा वुडन के अंदर है ये, नीचे से ऊपर तक पूरा वुडन में है, प्लास्टिक मटेरियल कहीं पर भी नहीं है, यानी कि जो इनक्लोजर है इसका वो पूरा वुडन में है, फ्रंट जो है वो इसका सिर्फ प्लास्टिक है। ठीक है जी, इसी तरह ये दूसरा स्पीकर आ गया है और इसमें भी हम देखेंगे तो एक स्पीकर आपको यहाँ पर नज़र आएगा, बाकी RGB लाइट्स हैं और ट्यूटर के डमी इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। नीचे इसके जो इन्होंने बेस दिए वो प्लास्टिक है और नीचे इसके फाइबर का केस है। ये इसका सबवूफर आ गया है 8 इंच का। अच्छा, फ्रंट जो है वो RB106 मॉडल में, आपको फिर बता रहा हूँ RB106। इसमें फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको स्टैंड बाय का बटन नज़र आता है, जब आप ऑन करेंगे दो लाइट्स आती हैं, स्टैंड बाय दबाएंगे ये ऑन हो जाएगा। मेनू है, मेनू से आप इसकी बेस और ट्रेबल को सेट कर सकते हैं। और ये जो है इसका मास्टर वॉल्यूम, ये बटन भी है, जैसे कि आप इसको ये दबाएंगे हम तो एक आवाज़ आती है, यानी कि एक दफ़ा हम दबाएंगे तो ये इनपुट अपनी चेंज करेगा, दोबारा दबाएंगे तो फिर ये इनपुट यानी कि ब्लूटूथ पे जाएगा, ऑक्स पे जाएगा, USB पे जाएगा, FM पे जाएगा। बाकी ये मास्टर कंट्रोल है और नीचे जो है ये तीन जो बटन्स होते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और प्ले पॉज के होते हैं। फ्रंट पे हम देखेंगे तो हमें USB मिल गई और मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आ गया। सबसे बड़ा बेनिफिट इनके अंदर ये है कि प्रोडक्ट्स में आर्डियोनिक के इसमें माइक के कनेक्शन ये तकरीबन सेट्स में देते हैं, दो माइक्स आप लगा सकते हैं इसके अंदर, दो माइक्स आप प्रोफेशनल माइक्स जो होते हैं वो बड़े वाले जैक वाले वो आप लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं इसका मॉडल यहाँ पे मेंशन हुआ है RB106, वॉट्स वगैरह इस पर मैंशन नहीं हुए हैं। अच्छा, ये जो इसका कनेक्शन है, ये जो आपको ग्रीन कलर के जैक्स नज़र आ रहे हैं, इस पर LED पावर लिखा हुआ है तो इसमें LED के लिए पावर 5 वोल्ट होता है, ये इसका ऑन ऑफ आ गया है। ठीक है जी, बाकी ये जो कनेक्शन है ये इसके ऑडियो के लिए होते हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट आ गया, आप इनपुट में कंप्यूटर, DVD, TV कुछ भी लगा सकते हैं। सेकंड, ये FM के लिए वायर होता है इसका। और इसका MDF हम देखेंगे तो ये तकरीबन 14 mm का है और टेक्सचर जो है पेस्टिंग अच्छी हुई हुई है इसकी पेस्टिंग, क्योंकि जब हम इसमें साइड में हम इसके हाथ मारते हैं तो एयर कहीं से भी पास नहीं होती है, तो बेस बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाएगा ये। ओके जी, अब हम अपने सेट को लगा लेंगे, इसको पावर देंगे और उसके बाद हम आपको इसका साउंड डेमो एक देंगे ताकि आपको साउंड का थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है जी, पावर मैंने लगा दिया है, दो लाइट्स इसकी जल रही हैं। ओके जी, अब हम इसको ऑन करेंगे ये स्टैंड बाय से। देखिए इसके नंबर्स आ गए, नंबर आते ही इसके सबवूफर में भी यहाँ पे RGB लाइट थी, ये भी लाइट इसकी ऑन हो गई है और स्पीकर्स की भी लाइट्स इसकी ऑन हो गई हैं।
इसका अब हम साउंड डेमो देंगे। सबसे पहले हम इसके मेनू चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इसकी ट्रेबल आ गई, यानी कि 10 पे जा सकती है और माइनस में भी चली जाती है। आपने 2 पे या 4 पे रखनी है। दोबारा दबाएंगे तो सब वूफर आ गया, 10 पे जाएगा और माइनस में भी जाएगा। तो सब वूफर 8 पे हम रख लेते हैं। ठीक है जी, ये इसकी कनेक्टिविटी है, ऑक्स पे आ गया है। यूएसबी हमने लगा दी है इसमें। बेस जो है वो काफ़ी जान मार रहा है, आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट आउट हो गई है, टेढ़ा हो गया ये। अगर ये स्लिपरी हो रहा है, अगर आपने अच्छा साउंड बनाना है तो थर्मोपोल का पीस होता है वो आप फर्श पे रख दें और उसके ऊपर सबवूफर को रख दें तो बेस बहुत ही शानदार बनती है। ठीक है जी, वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त इसका करंट प्राइस जो है वो 27,000 रुपीज़ चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।